हेलो दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त मोहित और सचिन, और स्वागत करते हैं एमएस ब्लॉगर के एक और ब्लॉग में। और आज हम इन्हें सचिन कहाँ लेकर के आए हैं? आज हम आपको लेके आए हैं एक दिल्ली एनसीआर के बहुत ही अच्छे पिकनिक स्पॉट पे। बिल्कुल, नाम है दम दमा लेक, और लेक है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं। मेले वाली एक्टिविटी होती है ना, कैमल राइड, बंदूक से बलून फोड़ो, झूले झूलो, सब कुछ दिखाएंगे आपको, सब कुछ है यहाँ पे। और इससे पहले भी एक बार 2020 में हम आए हैं यहाँ पर, तो वो डाल देंगे आई कार्ड में, डाल देंगे वो देख लेना, और कितना चेंज हुआ एक साल में वो आपको दिखाते हैं। करेक्ट। और ये एक वीकेंड गेटवे है आपके लिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप वीकेंड पास। और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाना यार, वीडियो भी लाइक कर जाना। अभी चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। बिल्कुल। तो आपने देख ही लिया होगा यार कि चेंज कितना ज्यादा हो गया हमारे पीछे, आपको पता लग ही रहा होगा। यहाँ पर ये पूरी जमीन यहाँ पे दिखता था, अभी यहाँ पे पानी ज्यादा आ गया, मतलब कितनी बारिश हुई होगी, सोचो लो कितना पानी आया, पानी का लेवल आ गया है। लेकिन यार मतलब एक वाइब अलग आती है यहाँ पे, मजा आता है, बड़ा पीसफुल फील होता है भाई साहब। मतलब अभी देखो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जैसे मोरनी हिल्स है ना चंडीगढ़ में, दिल्ली एनसीआर में हमारे पास दमदमा, हमारे पास दमदमा लेक है, पहाड़ भी आसपास, वो भी देखो, वो उधर में पहाड़ दिख रहे होंगे आपको। फाइनली हम बाहर आ चुके हैं, वोटिंग कर चुके हैं और बाहर आ गए। हालत पता लग रही होगी, इतनी ठंड में ना पसीने पसीने आ गए, लेकिन वैसे यहाँ धूप ज्यादा है। मतलब आंखें भी नहीं खुली, दिल्ली का टेम्परेचर काफी अच्छा हो रखा है। तो बट बहुत मेहनत लगती है वोटिंग करने में, लेकिन वर्थ है, व्यू जो आपको दिखेंगे ना, और 150 रुपीस लगते हैं यार। और उसके बाद अगर आप एक पर्सन एक्स्ट्रा हो तो 50 रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं, राइट। बाकी तो ठीक है, बाकी चार लोग हैं तो 200 नहीं, 100 प्लस 50 50 50, नहीं 250. अगर आप देखो, हम दो वाली पे बैठे थे उस पर 150 लगते हैं, लेकिन जो चार वाली है उस पर 200 रुपये लगते हैं दो बंदों के। अगर एक बंदा एक्स्ट्रा होगा तो 50 रुपये बढ़ते हैं, 300 हो जाएंगे उसके, बाय टू गेट वन फ्री, सॉरी बाय थ्री गेट वन फ्री। हाँ तो ऐसा वाला सीन है। और भाई इससे पहले वाले शॉर्ट्स आपने देख लिए होंगे ना, तो आपको पता भी लग गया होगा कि कितनी अमेजिंग है लेक ये। बाकी अभी आपको ऊपर भी दिखाते हैं, ऊपर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। वक्त आ चुका है चाय पीने का, सुबह के निकले हुए हैं, सुबह से चाय नहीं पी, चाय नहीं पिया यार। 11 बजे निकले थे, नहीं 9:55 तो रास्ते में हमारी बाइक पंचर हो गई, फिर हम यहाँ पे पहुँचे, फिर हमने वोटिंग की, कुछ आपके लिए सिनेमैटिक शॉट्स भी लिए हैं जो आपने अभी तक देखे होंगे, नहीं तो आने वाले शॉट्स में देखोगे। करेक्ट। और अब लग गई है भूख, कुछ खाएंगे और इसको चाय पीनी है, चाय पीनी मेन है, चाय क्योंकि उसे पीते ही सीक्रेट ऑफ हिज एनर्जी, सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। मतलब हमारी एनर्जी का सोर्स ही वही है चाय, लोग खाना खा के एनर्जी लाते हैं, हम क्या लाते हैं, चाय, चाय पी के मैगी खा के, ठीक है। पर ऐसी जगह पे तो फिर मैगी खाने का मजा ही अलग है ना भाई, तुम यहाँ पे क्या करोगे, मैगी खाओगे। और बाकी छोटे मोटे झूले हैं वो बच्चों के लिए हैं, तो वो हम झूलेंगे नहीं, कैमल राइड भी बहुत मतलब मुश्किल से 100 मीटर होगा, तो 100 नहीं, हाँ 50 मीटर के आसपास, उसमें क्या ही करना। बाकी वोटिंग अच्छा है, वोटिंग के शॉर्ट्स आपको दिखाए, वोटिंग करोगे तो मजा भी आएगा, 20 मिनट पता भी नहीं चलेगा कब चले गए, पैरों की एक्सरसाइज भी होगी साथ में, और पीछे एक एडवेंचर कैंप है। अरे नहीं यार, लेके जा रहे थे उधर, चलो एक बार लेके जा रहे हैं, पूछ लेंगे, अगर थोड़ा लंबा होगा ना राउंड तो मारेंगे कैमल राइड भी। और उसके बाद ना पीछे एक एडवेंचर पार्क भी है, मतलब एडवेंचर पार्क जैसा ही है काइंड ऑफ, वहाँ पर भी चलेंगे और वहाँ पर आज एक्टिविटी करेंगे। लास्ट टाइम ये था नहीं तो कर ही नहीं, बताया ना भी, इस बार जाते हैं, इस बार करेंगे, देखते हैं क्या क्या है, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है, क्या दिखाएंगे, दिखाएंगे सब कुछ करेंगे जो भी, बट दिखाएंगे, ठीक है। चलो चाय भी तो ये हमारी एनर्जी का सोर्स आ चुका है। सो गाइस अभी चाय और मैगी हो चुकी है, और अभी हमने कुछ डिसाइड किया था, हम सोच रहे थे कैमल राइड करें या फिर वो बलून फोड़, लेकिन कैमल राइड कैंसिल कर दिया हमने, बता जा रहा क्यों, पानी में नहीं जा रहा, ये ऊंट को तैराना चाह रहा है, कुछ भी कुछ भी। अभी बोटिंग करके आए, खबर नहीं, अभी हमने हंस के ऊपर राइड की थी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास सामान बहुत ज्यादा है तो हम यहाँ रख नहीं सकते, और ऊपर ले जाना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए नहीं कर रहे, बंदूकों से फोड़ेंगे, बाकी चीजें करेंगे। बिल्कुल, व्लॉगर्स लाइफ पता है ना, इतना बोरिया बिस्तर लेके डोलना पड़ता हमको। तो फिर हम करेंगे अब
इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं जैकेट वैकेट भी उतार लिया यहाँ पे, देख रहे हो हाथ में बैग, एक बैग, जैकेट, ये बैग, ऊपर से ये कितनी सारी चीजें। चल आगे की तरफ चलते हैं और फिर अभी शूटिंग करते हैं, फिर एक काम करते हैं, ठीक है ना। तो अभी देख बलून फूटेगा तेरे भाई, सबका बदला देगा, बाप का, भाई का, दादा का, पैसा, शाबाश बेटा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा शूटिंग वगैरह करते हैं, फिर वो दिखाते हैं उसके शॉट, राइट। तुम्हारा भाई लगा निशाना, मुझे लगता लगेगा नहीं लगा, वो सेट क्या उड़ गया क्या बाहर, ज्यादा उसके ऊपर लगा सर मोहित, शिट मैन, थोड़ा सा बचा तुम्हारे भाई का सर, सेकंड ट्राई होगा सर, होगा, अब लोगों को पता चलेगा फूटा नहीं फूटा। तीन खाली, पैसा बर्बाद यार, कोई नहीं सर, होगा शांति, एम कर पॉइंट राइट लेफ्ट वाले स्क्रीन, वो स्ट्रेट लाइन मैच के सर, जो अरे वाह तेरा भाई ने, गुड, बूम, ये टेक्निक होती है चलाने की। लास्ट सेकंड शूटिंग, ये कर गया तू, वाह अब मैं करूंगा, एक बाकी है, पांच हो गए, एक और करने दे प्लीज यार, कुछ तरीका है भीख मांगने का, अभी देखना पहले बार में, मैं बता रहा हूँ पहली बार में कैसे ये चीट कोड यूज करेगा। मैं सिर्फ आपको गन शूटिंग वाली की थोड़ा सा बच गया, पैसा बर्बाद भाई, एक ही चांस हुआ है, रुक जा, ये सबसे सेंटर वाला, दे मेरा स्कोर रहा है 2-2, अभी 13 देख रहे हैं, ये तो आसमान में फेंकी है बिल्कुल ही, रेंज के बाहर, सचिन क्या कहना चाहते हो, रेंज के बाहर मार रहे हो बिल्कुल, सेंटर में एक, लास्ट कौन सा वाला फोड़ना है, जौन सा फूट जाए थोड़ा सा, ओ शिट मैन, हो गए पूरे, हो गए, चलो यार एक फोड़ दिया मैंने, तीन फोड़े हमने टोटल मिला के 10 में से, चार और ऐड कर दूं, नहीं रहे रहने दो यार, तो पीछे की तरफ चलते हैं या फिर उधर चलते हैं, अभी चलते हैं एडवेंचर पार्क में, अभी हमने बोटिंग की थी, अभी जाएंगे एडवेंचर पार्क, बिल्कुल, और डेफिनेटली मजा आने वाला है वहां पे, तो आपको यार होती है आपकी वो सारी इस तरफ में होती है, तो अभी दिख नहीं रही होंगी, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा तब जाकर के थोड़ा चढ़ाई करेंगे, बिल्कुल, बिकॉज हमेशा अच्छी चीज चढ़ाई मेहनत करने के बाद मिलती है, और क्या, तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, चलो नहीं कराना अभी तक तो कर लो फटाफट, देर मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे हमें बिल्कुल, और क्या, ठीक है चलो कुछ एक्टिविटी करेंगे तब दिखाएंगे आपको, गाइस थोड़ी सी बुरी खबर है कि हमने सोचा था पीछे एडवेंचर पार्क होगा बट पीछे जाके सिर्फ 3 झूले हैं बस गिनती के, और पिछली बार तो वो भी चल रहे थे तो इस बार तो कुछ है भी नहीं, हाँ लेकिन है वो 350 रुपीज लिखा है, 350 में आप तीनों घूम सकते हो, एक वॉल क्लाइंबर टाइप है, एक वो पुल क्रॉस करना है बस, और एक ऐसी वॉक वॉक करने का है, मतलब नॉर्मल सी है, 3 है बाकी, देखो आपको एडल्ट के लिए वैसा कुछ नहीं है, फन करने डॉली चीज, मतलब फन इन द सेंस बहुत बड़े जो एडवेंचर पार्क में होता है जैसे वैसा नहीं है, नॉर्मल झूले हैं जो बच्चों वाले हैं, तो वो आप अगर आपको बच्चे हैं आपके साथ उनको लेके आओगे तो उनके लिए एंटरटेनमेंट है बट आपके लिए उतना नहीं है, बिल्कुल, और कुछ तो बचा नहीं फिर यहाँ पे दिखाने के लिए, अभी चलते हैं, चलते टाइम पे एक दो चीजें और हैं वो दिखा दें और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, यहीं करेंगे एंड, आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो क्या करना है, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब बैक टू बैक वीडियोज आएंगी, बहुत इंतजार हो गया लॉकडाउन का, अब खत्म, हाँ यार मतलब काफी टाइम हो गया था, तो फाइनली अब एक और वीडियो आने वाली है और इसके बाद जल्दी एक और आ जाएगी, और लाइक भी कर लो, वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट भी करा करो कि क्या क्या अच्छा लगता है, तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड, बाकी थोड़ा सा अगर कुछ होता है तो शॉर्ट आपको वीडियो के एंड में दिख जाएंगे, ठीक है, पोस्ट क्रेडिट सीन्स, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।